दोस्तों आज दादाजी लैब में अकेले होते हैं, फिर वो वीर को बुला लेते हैं, बड़ा वीर। दोस्तों तभी वहाँ पे रिवील सूट आ जाता है। फिर वो दादाजी से कहता है कि दादाजी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है, आप इतने ज्यादा क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो दादाजी, बोलिए। तभी दोस्तों दादाजी कहते हैं बड़ा वीर वो ऐसी परेशानी है कि क्या है ना, मैं ड्रग्स ने बहुत ज्यादा ताकत फोर दो रोबोट्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया है, मेरे पास एक भी रोबोट अब नहीं बचा है, मैं क्या करूंगा। दोस्तों तभी रो हुआ सूट वहाँ पे शिवा भी आ जाता है। शिवा कहता है क्या हुआ दादाजी, आप इतनी ज्यादा नाराज क्यों हो, क्यों रो रहे हो, मुझे बताइए। तभी दोस्तों बंटी भी आ जाता है। बंटी कहते हैं क्या हुआ दादाजी, क्यों इतनी ज्यादा नाराज हो। दोस्तों तभी क्या होता है कि दादाजी कहते हैं बड़ा वो बात ना, ये लो शक्तियाँ जाओ तुम दोनों अभी देखते हैं। तो दोस्तों वीर और शिवा रेडी हो जाते हैं कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ मैडवैक्स ने क्या रोबोट्स बनाया है और हम लोग दोनों लोग उसको खत्म करके आएंगे। दोस्तों दादाजी से सलाह लेकर के वीर और यहाँ से शिवा जी चले जाते हैं उस मैडवैक्स के रोबोट्स को चेक करने के लिए, और दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लैब में मैडवैक्स बहुत ज्यादा प्लानिंग से दो रोबोट्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर वो दोस्तों एक चुड़ैल और उसका चुड़ैल का आदमी दोनों का एक्सपेरिमेंट करता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैडवैक्स कहते हैं मेरी रोबोट्स तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये लो मैं आपको शक्तियाँ दे रहा हूँ, अभी जाओ पूरे शहर को खत्म करके आओ। ओ बीए दरोड़वा है और दादाजी को सबको बच्चों को उठा करके लेकर के आओ। दोस्तों और चुड़ैल और गैग ग्रीन रोबोट्स दोनों खतरनाक होते हैं। फिर दोनों भूत रोबोट्स वहाँ से चल देते हैं। बॉस मैं जा रहा हूँ सारी दुनिया को खत्म करके आपके पास लेकर आऊंगा। वो दोस्तों मेरे भाई यहाँ से वो दोनों रोबोट्स निकल जाते हैं और मैडवैक्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अब राज करूंगा दुनिया पे। वो दोस्तों वो रोबोट्स भूत आ जाते हैं और गांव में गोले बारिश करने लगते हैं, आगे वाले पटोखे भी दागने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वो दोनों भूत चुड़ैल आ जाते हैं, वो दोस्तों वो वीर को बुलाने लगते हैं तो आ जाओ। दोस्तों तभी वीर वहाँ पे वो वाला आ जाता है और दोस्तों साथी में शिवा भी ये सब बातें जान लेता है। शिवा भी भाग करके आता है और फिर चुड़ैल जो होती है, चुड़ैल को वो लोग मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन चुड़ैल बहुत चालाक होती है। चुड़ैल वीर से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दो शिवा जी, मुझे मत मारो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। और दोस्तों तभी वीर दरोड़वाए और शिवा दोनों लोग उस चुड़ैल उस भूत को दोनों को बहुत मारते हैं। वो मारने के बाद वहां से चले जाते हैं, वो माफी मांग